Hi everyone. So today we are going to discuss the method to separate two immiscible liquids. कैसे हम दो immiscible liquids को separate कर सकते हैं by using separating funnel. सबसे पहले immiscible liquid होते कौन से liquids हैं? ऐसे liquids जो आपस में mix नहीं हो सकते. For example, oil and water. अगर आप ट्राई करो इन्हें मिक्स करने का तो क्या होगा? जो ऑयल है वो लाइट होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है तो वो ऊपर लेयर बना लेगा, और वाटर जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे सेपरेट आउट हो जाएगा. तो जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं वो अलग अलग लेयर में डिवाइड हो जाते हैं अपने आप ही, अगर हम उन्हें थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दें. तो उसी बेसिस में हम सेपरेटिंग फनल को यूज़ करके यहाँ पे दो इमिसिबल लिक्विड्स को अलग करेंगे. तो इसमें हमने एक्टिविटी ली है जिसमें हमने केरोसिन ऑयल एंड वाटर यूज़ किया है. इन्हें मिक्स करके हम सेपरेटिंग फनल में डालेंगे और फिर कुछ टाइम के लिए सेपरेटिंग फनल में रख के आपको वेट करना है जब तक ये दोनों लिक्विड्स का लेयर सेपरेट आउट ना हो जाए. बाद में हम सेपरेटिंग फनल की हेल्प से दोनों को अलग करेंगे. सो सेपरेटिंग फनल में आप देखेंगे ये सेपरेटिंग फनल होता है. यहाँ पे एक नॉब होता है जिसे मूव करके हम लिक्विड को नीचे पास ऑन करवा सकते हैं. इसमें हम देख रहे हैं अगर आप दो इमिसिबल लिक्विड्स को अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो वो अपने आप ही डिफरेंट लेयर्स में सेपरेट आउट हो जाते हैं. जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे सेपरेटिंग फनल में ऑयल डाला जा रहा है. सेपरेटिंग फनल को हमने स्टैंड में प्लेस किया है और नीचे आपका एक नॉब है जिसे मूव करके हम अपने लिक्विड को पास ऑन करवा सकते हैं. अब हमने वाटर भी डाल दिया सेपरेटिंग फनल में, तो हमने ये ऑयल और वाटर का मिक्सचर प्रिपेयर किया है सेपरेटिंग फनल के अंदर. अब ये हमने ऊपर से बंद कर दिया है सेपरेटिंग फनल. अब अच्छे से मिक्स कर दिया हमने ऑयल और वाटर को, तो ये आपका मिक्सचर प्रिपेयर हो गया. अब इस मिक्सचर को हम अलग करेंगे. वी विल लीव द मिक्सचर फॉर सम टाइम अनडिस्टर्ब. तो इससे क्या होगा, आपके जो लिक्विड्स हैं वो डिफरेंट लेयर्स में अपने आप ही सेपरेट आउट हो जाएंगे. अभी हम अलग अलग फ्लास्क में दोनों लिक्विड्स को निकाल लेंगे. ये नॉब हमने जब मूव किया तो आपका जो लिक्विड नीचे है, जो वाटर आपका नीचे था, वो कलेक्ट करेंगे हम एक फ्लास्क में. यहाँ पे आप पूरा बहुत ध्यान से आपके लेयर्स को देखना होता है. जैसे ही आपका ऑयल के लेयर तक लिक्विड पहुँचेगा तब आपको नॉब बंद कर देनी है, और उसके बाद हम दूसरे फ्लास्क में अपना ऑयल निकाल लेंगे. यहाँ पे हमने देखा हमें ऑयल और वाटर दोनों अलग अलग फ्लास्क में मिल गए. तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है सेपरेटिंग फनल यूज़ करने का? जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं वो अपने आप ही डिफरेंट लेयर्स में सेपरेट आउट हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज. जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर फ्लोट करेगा, जिसकी ज़्यादा होती है वो नीचे बॉटम में सेटल होगा. अब एप्लीकेशन कहाँ होती है सेपरेटिंग फनल की? इट इज़ यूज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर. ऑयल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी दो इमिसिबल लिक्विड्स. इसके अलावा इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर. और होता है जो आपके मेटल्स होते हैं वो प्योर फॉर्म में आपके नेचर में नहीं मिलते, एक मिक्सचर के फॉर्म में मिलते हैं जिसे हम और कहते हैं. तो जो आयरन होता है
उसे हम उसके ओर से सेपरेट आउट करने के लिए सेपरेटिंग फनल का यूज़ कर सकते हैं। द लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस। तो इस केस में ये मेल्ट किया जाता है ओर को, जो स्लैग होता है वेस्ट मटेरियल जो होता है वो ऊपर फ्लोट करेगा, जो मोल्टन आयरन है वो आपका बॉटम में सेपरेट आउट हो जाएगा। तो हम बेसिक इसी प्रिंसिपल के बेसिस में अलग कर सकते हैं आयरन और स्लैग को।